क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे एक कंपनी का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशनशिप एक इक्वेशन के थ्रू बताया गया है, जो कि है वाई इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 0.7x, जिसमें एक्स हमारा सेल्स है और वाई हमारा टोटल कॉस्ट है, और हमको फाइंड आउट करने बोला गया है पीवी रेशियो। तो सॉल्यूशन होगा, हमको जो इक्वेशन दिया है वो है वाई इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 0.7x, और बता दिया है कि x जो है वो सेल्स है और y जो है वो टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब जो हमारा 3 लाख है वो FC होगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट, और जो 0.7 है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि 0.7 है, इसका मतलब वो हमारा 70% है। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारा था 3 लाख का और वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 70%। तो पीवी रेशियो के लिए फार्मूला होगा 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ सेल। तो हमारा 100 और वेरिएबल कॉस्ट था 70%, माइनस करेंगे तो बचेगा 30%, जो कि हमारा पीवी रेशियो होगा। इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे बीईपी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, बीईपी का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा था 3 लाख का, पीवी रेशियो है 30% का, डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा 10 लाख, जो कि हमारा आंसर होगा, यानी कि बीईपी होगा। फिर सी नंबर पे कहा गया है कि 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको कितना सेल करना होगा, यानी कि सेल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सेल का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट था 3 लाख का, प्रॉफिट हमारा 90,000 बता दिया था, और डिवाइड करेंगे 30% से तो आ जाएगा 13 लाख रुपए, जो कि हमारा सेल होगा। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें कहा गया है कि जब हमारा लॉस 30,000 का हो तो हमारा सेल कितने का होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, सेल के लिए अगर प्रॉफिट है तो हम प्लस करते हैं और अगर लॉस है तो हम माइनस करते हैं, तो और सेम फार्मूला रहेगा, बस लॉस में माइनस होता है। तो 3 लाख माइनस 30,000 डिवाइड बाय 30% करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख रुपए, जो कि हमारा सेल होगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे हमको एक डाटा दिया हुआ है जिससे हमको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है यूनिट टर्म में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दिया है 20 रुपये, और डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बता दिया है 8 रुपये, डायरेक्ट लेबर बता दिया पर यूनिट में 2 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बता दिया है 3 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट बताया है 10%, और फिक्स्ड ओवरहेड हमारा है 20,000 का। अगर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट 10% या 20% से अधिक हो जाए तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमको इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना होगा, जहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बताया था 20 रुपये, और ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि बोला था 10%, तो 20 रुपये का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2 रुपये, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 रुपये हमारा सेलिंग पर यूनिट आ जाएगा। अब क्योंकि ये हमको TD माइनस करने के बाद का सेलिंग पर यूनिट चाहिए था, तो ये हमारा सेलिंग पर यूनिट होगा TD माइनस करने के बाद। अब वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल और लेबर ये सब चीज़ आता है, तो हम मटेरियल, लेबर और वेरिएबल कॉस्ट तीनों को एक साथ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 रुपये, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद हमको बीईपी कैलकुलेट करना है यूनिट टर्म में, जिसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारा था 20,000 का, कंट्रीब्यूशन हमारा आया 5 रुपये, डिवाइड करेंगे तो 4,000 पर यूनिट हमारा बीईपी आ जाएगा। इसके बाद रुपीस टर्म में कैलकुलेट करना है, तो हम यूनिट को इंटू कर देंगे सेलिंग पर यूनिट से, तो 4,000 इंटू 18 करेंगे तो 72,000 रुपये हमारा बीईपी आ जाएगा रुपीस टर्म में। अब हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जिसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय बीईपी। फिक्स कॉस्ट था हमारा 20,000 का, इंटू 100 करेंगे और बीईपी हमारा है 72,000 का, तो पीवी रेशियो हमारा आ जाएगा 27.77%। अब हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि अगर सेल 10% से बढ़ जाए तो फिर हमारा बीईपी क्या होगा। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो पीवी रेशियो तो हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट भी है, लेकिन हमारे पास सेल नहीं है, तो सेल को हमको कैलकुलेट करना होगा। तो सेल क्योंकि बीईपी के ऊपर बढ़ रहा है 10%, तो हमको बीईपी था 72,000 और उस पर प्लस करना होगा 10%, तो आ जाएगा 79,200। अब प्रॉफिट के फार्मूले में इसको फिट कर देंगे, तो सेल के जगह पे हम रखेंगे 79,200, और हमारा जो पीवी रेशियो था वो आया था 27.77, इंटू करेंगे, माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट हमारा था 20,000 का, तो हमारा आएगा कैलकुलेट करने पे
1999.9, और जिसको अगर अपन राउंड फिगर पे लेंगे तो वो 2000 कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 9 है, और अगर ये 5 से ज़्यादा रहता है या 5 रहता है तो हम इसको एक बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 प्रॉफिट। इसके बाद कहा था कि अगर हमारा जो BEP है वो 20% से बढ़ जाए तो सेल क्या होगा, तो वही BEP हमारा क्योंकि 72,000 था, इसको 20% प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 86,400। अब प्रॉफिट का फार्मूला तो सेम ही है, सेल इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो सेल हमारा आया 86,400 इंटू करेंगे PV रेशियो से, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि था 20,000, तो आ जाएगा 3,999.9, जो जिसको अगर अपन राउंड फिगर में लेंगे तो 4,000 होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा।